राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने अधिकारियों की बैठक ली और सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद को दिलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ जवाई बांध पहुंचकर बांध में उपलब्ध जलराशि की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत के निर्देश अनुसार नगर निकाय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां जारी है। साथ ही उन्होंने किसानों की मांग के अनुसार बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार पूरे क्षेत्र में 2 लाख पौधे वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर अंशदीप, पुलिस अधीक्षक, उप खंड अधिकारी, सीओ, डिस्कॉम, एईएन सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देखो, पानी की समस्या, मानसून नहीं हुआ या बारिश कम हुई, उसकी वजह से दिक्कत जरूर है, पर प्रशासन की तरफ से पूरी कार्य योजना तैयार है। कंटीजेंसी प्लान के लिए भी सरकार को प्रस्ताव भेज चुके हैं और अभी तो लगभग बांध में पानी है। अभी 1-1.5 महीना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, फिर भी इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इनका बंडौरा सही तरीके से हो जाए और इस पानी को जितना अच्छा दे सकते हैं वो बंडौरा सही करें। उसके बाद में जवाई बांध में अभी मानसून के भी 10 दिन बाकी पड़े हैं, तो हो सकता है मालिक राजी हो जाए, जवाई बांध भर जाए तो वो स्थिति नहीं आएगी, उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले भी मुख्यमंत्री जी साहब ने ट्रेनों से पानी लेके आए, अभी ऐसी जो नौबत नहीं आएगी, जो आएगी तो हमारे पास पूरी कार्य योजना है, उसमें पूरा काम कर रहे हैं। आज यहाँ जितने भी विभाग हैं उन सबको हमने डायरेक्शन दिए हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी अच्छी तरह से फॉलो करें।